देश भर में कल होने वाली राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल को लेकर करनाल जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी। जिले में धारा 144 लगाई गई। जिला उपायुक्त निशांत यादव ने कहा, कल राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल में सभी कर्मचारी यूनियन भाग लेगी। हमारी कोशिश रहेगी जो भी जरूरी सेवाएं हैं वो किसी भी तरह से बाधित नहीं हों। सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला उपायुक्त ने कर्मचारियों से अपील की है कि जो भी उनकी मांगे हैं वो शांति से अपनी बात रखें, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी व सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। गौरतलब है कल देश भर में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल में हिस्सा लेगी। इसमें एक तो 7 को पहले रोडवेज की स्ट्राइक प्लान्ड थी जो कि अब उन्होंने कॉल ऑफ कर दी है। कल जो सर्वव्यापी देशव्यापी हड़ताल है उसमें सारे के सारी जो कर्मचारी यूनियन है वो उसमें भाग ले रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो नेसेसरी सर्विसेज हैं, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो पाए। चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए रोडवेज की सर्विसेज हों, इस तरह की किसी भी समस्या को हम इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। कर्मचारियों ने हमें आश्वस्त किया है, यूनियनों ने, कि वो जो है शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर भी अगर कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके लिए हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स एरिया वाइज लगा दिए हैं और पुलिस की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पे रहेगी ताकि कहीं पे भी कोई डैमेज ना हो। धारा 144 लगा दी गई है जी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स भी लगा दिए। एक्स्ट्रा फोर्स वगैरह भी? बिल्कुल जी, हमने जो हर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स के साथ फोर्स दिया है। जो मेजर इंस्टॉलेशंस हैं जैसे ऑफिसर्स हो गए, 33 KV के सब स्टेशंस हो गए, इस तरह की जगह पे भी हमने राइडर्स और पुलिस फोर्स की ड्यूटियां लगा दी। मैं सभी कर्मचारियों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी उनकी मांगे हैं, किसी भी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपनी मांगे रखना जायज़ है, लेकिन वो मांगे अपनी शांतिपूर्ण तरीके से रखें। किसी भी तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को, किसी भी पब्लिक व्यवस्था को, सेवा को, सर्विस को डिसरप्ट करने की कोशिश ना करें। अगर इस तरीके से कोई भी कर्मचारी डिसरप्ट करने की कोशिश करता हुआ पाया गया तो उसके लिए उसके खिलाफ हम नियमानुसार सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, कल आपके प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों को लेकर जी